हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही शानदार रेसिपी। इसे आप इवनिंग टाइम में भी बना सकते हैं, गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, पार्टी टाइम में भी बना सकते हैं, या फिर आप अपने गेस्ट को चाय के साथ चकली सर्व कर सकते हैं। आपके गेस्ट को बहुत पसंद आएगी गाइस। या फिर आप त्योहारों में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बेसन की बहुत ही शानदार चकली। दोस्तों, ये जो चकली है आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। कोई तामझाम नहीं, कोई झंझट नहीं। आप मिनटों में डो लगाएं और चकली बना के तैयार करें। बहुत ही शानदार चकली बन के तैयार होती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं गाइस। तो चलिए हम हमारी रेसिपी को फटाफट से शुरू करते हैं और बनाते हैं बेसन की चकली। बेसन की चकली बनाने के लिए हमने लेना है एक बाउल। बेसन की चकली बना रहे हैं ना गाइस, तो बेसन तो लेना ही है। तो बेसन आपने कौन सा लेना है? बेसन आपने बारीक वाला लेना है। बेसन दो तरह के होते हैं गाइस, एक मोटा बेसन होता है, एक बारीक बेसन होता है। आपने इस रेसिपी में बारीक बेसन का ही यूज़ करना है, मोटे बेसन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जो बेसन ले रही हूँ वो 2 कप के करीब बेसन ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन डाल दिया है और 1 कप बेसन मैं यहाँ पे और डाल दूंगी। साथ ही साथ अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। यदि चिली फ्लेक्स अवेलेबल नहीं है तो जो नॉर्मल लाल मिर्च होती है आप वही डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस। साथ ही साथ इसमें जाएगी आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे सौंफ। सौंफ डालना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है सौंफ के साथ, तो सौंफ आप ज़रूर डालिएगा। और इसी के साथ साथ हम डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है गाइस। अजवाइन और बेसन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही शानदार आता है, तो आप अजवाइन ज़रूर डालिएगा गाइस। साथ ही साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ कसूरी मेथी। आप कसूरी मेथी नहीं डालना चाहते तो थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं, तो बारीक कटा हुआ धनिया भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेसमे सीड, या फिर जिसे तिल कहा जाता है, तो थोड़ा सा तिल डाल देंगे सीजनिंग के लिए, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसी के साथ साथ चकली का टेस्ट उभारने के लिए हम इसमें डालेंगे काला नमक। काला नमक आपने ज़रूर डालना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है गाइस। साथ ही साथ नॉर्मल नमक भी डाल देंगे एज पर योर टेस्ट। और अब बारी आती है हींग डालने की, तो हींग बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है गाइस। अ पिंच ऑफ हींग हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला भी सोडा कहा जाता है। और अब हमने इसमें डालना है मोइन, तो यहाँ पे हम डाल देंगे तेल। 1/4 कप से थोड़ा कम हम यहाँ पे तेल डालेंगे। और अब हमने क्या करना है, अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आपने डायरेक्ट डो बना के तैयार नहीं करना है गाइस। सभी मसालों को, मोइन को हमने अच्छी तरह से इस तरह से रब करते हुए मिक्स करना है। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमारे मसाले हैं, जो मोइन है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जब हम डो बनाएं वो इक्वली बने। तो ये प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा, आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से, जैसे मैंने मिक्स किया है ना, वैसे ही आपने अच्छी तरह से इस तरह से मैश करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सभी चीज़ों को। और अब हमने क्या करना है, हमने लेना है पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और डो बना के तैयार करना है। अब डो कैसा बनाना है, डो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना, तो मीडियम कंसिस्टेंसी का हमने डो बना के तैयार करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने डो बना के तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं है, तो इस तरह से डो हमने बना के तैयार करना है। तो ये देखिए गाइस, डो हमारा कितना अच्छा लग रहा है, सभी मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हमारा डो जो है वो बिल्कुल तैयार है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमने क्या करना है, हमने लेना है चकली मेकर। तो मैंने यहाँ पर चकली मेकर लिया है और चकली मेकर के अंदर जो चकली वाली जाली होती है वो मैंने लगा के रखी हुई है, और इसके अंदर भी मैंने ऑयल को लगा के रखा। तो आप अपने चकली मेकर के अंदर अच्छी तरह से ऑयल को लगा लें और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, बेसन को मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो डो है वो हम हमारे चकली मेकर के अंदर फिल कर देंगे। डो को हमने फिल कर दिया है और अब हम चकली मेकर को बंद कर देंगे और अब हम चलते हैं चकली बनाने के प्रोसेस में। चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है, बटर पेपर पे मैंने ऑयल लगा लिया है। आप चाहे तो नॉर्मली प्लेट पे भी बना सकते हैं, बस प्लेट पे आपने हल्का सा तेल लगा लेना है और उसके बाद आपने सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे मैं चकली बना रही हूँ, प्लेट पर भी वैसे चकली बना सकते हैं।
और इस तरह से राउंड राउंड शेप करते जाना है और चकली बना लेनी है। और जो लास्ट वाली स्ट्रिप है वो भी हमने इस तरह से लगा देना है। एक और चकली मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, बहुत ही इजी तरीका है। आप क्या कीजिएगा, इस तरह से ये डो निकाल लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप क्या कीजिएगा, ये जो एक स्ट्रिप है इसे हमने इस तरह से इसे लगा देना है, इसे पिंच कर देंगे इसके अंदर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे राउंड शेप में करते जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसे राउंड शेप में कर लेंगे। वाओ नाइस। और जो लास्ट वाली स्ट्रिप है इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से पिंच आउट कर देंगे, राइट। तो ये देखिए दोस्तों, आप कैसे भी चकली बना सकते हैं, या तो आप उस तरीके से भी चकली बना सकते हैं, या तो आप इस तरीके से भी चकली बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सभी चकली बना के तैयार कर ली हैं। तो अब हम चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। फ्राई करने के लिए जो ऑयल है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना, ठीक है। हमने ऑयल को हल्का मीडियम गर्म ही लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन चकली को डाल देंगे ऑयल के अंदर। अब फ्राई करने के लिए आप एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप बहुत हाई फ्लेम पे चकली को फ्राई कर लेंगे तो चकली जो है वो अंदर से फ्राई नहीं हो पाएगी और कच्ची बन के तैयार होगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। फ्राई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है गाइस, 3 से 4 मिनट आराम से लगेंगे एक बैच को फ्राई करने के लिए। बाकी इस चकली को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो आप इजीली 10 से 15 मिनट में इस चकली को बना के तैयार कर सकते हैं। अभी मेरी जो फ्लेम है वो मीडियम ही है, मैंने हाई फ्लेम नहीं किया है। तो जैसे ही चकली जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी, पलटते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। हमने चकली को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए गाइस, चकली जो है वो कितने अच्छे से फ्राई हो रही हैं। गाइस ये जो चकली की रेसिपी है बहुत ही शानदार है, बहुत ही इजी है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अभी मैंने फ्लेम को हल्का सा हाई कर दिया है, तो ये देखिए गाइस चकली जो है वो हल्की हल्की गोल्डन होना शुरू हो गई है। हमने ज़्यादा गोल्डन चकली फ्राई नहीं करना होती है। जैसे ही आपको लगे कि चकली जो है वो हल्की गोल्डन हो गई है, उसके बाद हमने चकली को निकाल लेना है। तो ये देखिए गाइस, चकली जो है वो गोल्डन हो गई है और बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। एक बैच को फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लग ही जाते हैं गाइस। सभी चकली को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप फैमिली के साथ, चाय के साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हैं, गेस्ट के साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। आप चाय के साथ इन्हें इजीली सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाइस। तो मिलते हैं ऐसी शानदार शानदार रेसिपीज के साथ। आई एम शिवानी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।